हेलो दोस्तों, आज मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं बल और गति पर आधारित कुछ गणितीय समस्याएं बनाने जा रहे हैं, उसे ध्यानपूर्वक देखिए और अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को दो बार तीन बार करके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है और दिया गया क्या है, वो चीज देखना बहुत जरूरी है। दिया गया है मात्रा और दिया वेग, पूछा क्या है संवेग। तो पहले तो लिखेंगे कि मात्रा बराबर कितना दिया हुआ है वस्तु का मात्रा, तो निश्चित रूप से दिया हुआ है 260 ग्राम। और इसका वेग कितना दिया गया है, वेग दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां देखिए 20 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन यहां ग्राम में दिया हुआ है, तो हम ये दोनों को एक ही पद्धति में बदलेंगे। तो निश्चित रूप से एसआई पद्धति में अगर बदलेंगे तो 0.60 यानी इसको किलोग्राम में बदल लेंगे, तो ये दोनों एसआई पद्धति में आ जाएगा। तो एसआई पद्धति में अगर बनाना चाहे तो सबको एसआई पद्धति में ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम सूत्र बैठा देते हैं, किसका, संवेग का सूत्र बैठाते हैं, क्योंकि संवेग बराबर पूछा, संवेग बराबर मात्रा गुना वेग, है ना। तो मात्रा के जगह पे बैठा देंगे 0.260 इंटू वेग के जगह पे 20, अब आ जाएगा 260 इंटू 20 और डिवाइडेड बाय 1000, 0000 काट देंगे, आएगा 52/10। इसको हम लिख सकते हैं 5.2। तो चूंकि एसआई पद्धति में है इसलिए इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये इकाई है संवेग का, इसलिए यहां पे इकाई भी हमको डालना है, इकाई भी हम लोग लिख देंगे, है ना। बहुत आसान सवाल। फिर उसी तरह से दो नंबर चले आए, इसमें क्या दिया है मात्रा, बोलिए वस्तु का मात्रा कितना दिया है, 12.5 किलोग्राम। और त्वरण कितना दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है 3.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें किसी को बदलने का जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों एसआई पद्धति में। और तो निकालने के लिए क्या बोला गया है, बल, बल बराबर वाट। चूंकि बल बराबर सूत्र है मात्रा गुना त्वरण, तो ये बहुत आसान सवाल है। मात्रा के जगह पर बैठा देंगे 12.5 गुना त्वरण के जगह पर 3.5। अब इसको अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं चार बार में, इसको काट देते हैं पांच बार में, और अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 2 = 12 = 145 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया है बल बराबर। फिर बल बराबर इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 × 5 = 15 = 17, यहाँ पे 7 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 × 16, फिर आएगा 4 × 3 = 12, फिर आएगा 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, इतना आ गया। तो ये जो आएगा वो न्यूटन में आ जाएगा, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा, जिसको कि हम न्यूटन बोलते हैं। अब तीसरा सवाल देखें, तीसरा सवाल में क्या कहा है, मात्रा कितना दिया हुआ है 2 किलोग्राम, और बल दिया है कितना, बल दिया है 1 न्यूटन, है ना। इसलिए निकालना क्या है, इसमें निकालना है त्वरण, त्वरण बराबर वाट। चूंकि बल बराबर मात्रा गुना त्वरण, बल के जगह पर बैठा देंगे 1 और मात्रा के जगह पर 2 और त्वरण के जगह पर त्वरण ही रहने देते हैं, इसलिए त्वरण बराबर 1/2, इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। अब ये जो 0.5 आया है वो त्वरण का मान है, क्योंकि इसमें त्वरण निकालने के लिए कहा है, और त्वरण जो होता है इसका होगा, चूंकि यहाँ पे एसआई पद्धति में है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर,
ये हमारा आंसर आ गया 3 नंबर का। अब इसी तरह से हम 4 नंबर का सवाल देखेंगे, है ना। तो 4 नंबर का सवाल हम बनाने जा रहे हैं। 4 नंबर का सवाल बनाने के लिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, वस्तु का मात्रा कितना दिया है, वस्तु का मात्रा 10 ग्राम। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं त्वरण कितना दिया हुआ है। त्वरण बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें भी बदलने की जरूरत नहीं है, है ना। और निकालना है मात्रा, मात्रा बराबर वाट, मात्रा या बल, बल निकालना है, बल, बल बराबर वाट, क्योंकि मात्रा तो दे ही दिया है, तो इसलिए बल निकालेंगे इसमें। तो बल निकालने के लिए जो सूत्र है वही प्रयोग करेंगे, चूंकि बल बराबर मात्रा गुना त्वरण। मात्रा के जगह पर बैठा देंगे कितना 10, और त्वरण के जगह पर बैठा देंगे 5, बहुत आराम से बन जाएगा कितना 50। और ये चूंकि ग्राम में है तो 50 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग डाइन भी बोलते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 50 डाइन। हो गया सवाल। फिर 5 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो 5 नंबर सवाल जब देखेंगे तो इसमें देखिए क्या है। तो 5 नंबर सवाल में बताया गया है कि बल, बल पहले ही दे दिया है, बल बराबर कितना 500 न्यूटन। अच्छा, और क्या देख रहे हैं, त्वरण भी देख रहे हैं, त्वरण दे दिया है कितना, त्वरण दे दिया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब निकालना क्या है इसमें, मात्रा निकालना है, मात्रा बराबर वाट, चूंकि बल बराबर मात्रा गुना त्वरण, इसी सूत्र से निकल रहा है ये भी। तो बल के जगह पर कितना हो जाएगा 500, और त्वरण के जगह पर 2 हो जाएगा, लेकिन मात्रा के जगह पर कुछ भी नहीं है तो मात्रा ही रखेंगे। अब इसको जब मात्रा निकालने जाएंगे तो मात्रा बराबर 500 डिवाइडेड बाय 2, कट के आ गया कितना मात्रा, मात्रा आ गया है 250, और ये आएगा किलोग्राम, और ये भी आंसर। लास्ट सवाल बनाएंगे, 6 नंबर में क्या क्या है सो देख लेते हैं। मात्रा कितना दिया हुआ है, मात्रा 1 किलोग्राम, है ना। अच्छा, उसके बाद ये बल, बल दिया हुआ है इसमें 700 डाइन दिया हुआ है। तो 700 डाइन अगर दिया हुआ है, लेकिन यहां तो किलोग्राम दिया हुआ है, ये है सीजीएस पद्धति में, ये है एसएसआई पद्धति में, इसलिए इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम ग्राम में बदल लिए 1000 ग्राम। निकालना क्या है इसमें, निकालना है त्वरण। तो त्वरण बराबर वाट, चूंकि बल बराबर मात्रा गुना त्वरण। अब क्या है, बल के जगह पे 700, मात्रा के जगह पे 1000 लिख सकते हैं, और त्वरण तो त्वरण है ही, है ना। इसलिए त्वरण बराबर अगर निकालना चाहें तो 700 डिवाइडेड बाय 1000, 0000 काट देंगे, त्वरण बराबर आ गया 0.7। अब ये चूंकि सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये है सीजीएस पद्धति में, इस तरह से हम एक बार में ये 6 सवाल बना दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का आने वाले वीडियो में हम आप लोग को रास्ता दिखाते रहेंगे। थैंक यू।